देखिए दादा साहब फाल्के नाम से दो अवार्ड होते हैं, एक जो भारत सरकार देती है जो किसी भी एक्टर के जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड है, और उस अवार्ड को देने के लिए, इसे आपने देखा होगा इस साल दिलीप कुमार साहब को दिया गया, तो गृह मंत्री जी चल के उनके घर तक गए। दूसरा अवार्ड है दादा साहब फाल्के का जो हमारी इंडस्ट्री में होता है, इसको भी एक बड़ा रूप लेना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि पहले जूरी अनाउंस करने के लिए ऐसा अच्छा फंक्शन हुआ, देश दुनिया के लोग आए, और निश्चित रूप से ये जूरी जो भी डिसाइड करेगी वो भी दुनिया देखेगी, ये बड़ा से बड़ा होना चाहिए। मनोज जी, अब अवार्ड्स के बारे में ये अफवाह फैली है, पहले से फिक्स हो जाते हैं या फिर जिनकी जो पहचान कम जान पहचान होती है वही इनको ले पाते हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है? देखिए साहब, अवार्ड है तो उसमें तो विवाद होते ही रहेंगे, लेकिन उसकी बिना परवाह किए बिना जूरी को अपना काम करना चाहिए, और गलतियां कम से कम हो तो अच्छी बात होगी, रियल टैलेंट्स को मिलना चाहिए। और आज मैं इस मंच से ये भी कह के जा रहा हूं कि होली नज़दीक है, नॉन टॉक्सिक रंग हम लोग यूज करें ताकि पानी भी बचे और आदमी के शरीर को नुकसान भी ना पहुंचे। क्योंकि ये अवार्ड्स की नाइट का दिन है और आपने इसकी छत्ती जुड़ी रहे हैं, आप कोई भी एक अवार्ड आपको जो आपको पहला अवार्ड जो बचपन में आपको किसी भी चीज़ के लिए मिला हो आप थोड़ा रिमाइंड कराएं, मैं रिकॉल कराएं। असल में अवार्ड थोड़ा हमसे रूठे रहते हैं हमको अवार्ड बहुत मिला नहीं है, लेकिन पब्लिक ने बहुत अवार्ड दिया मुझे, तो मुझे उसकी कमी पब्लिक का अवार्ड पूरा कर देता है। तो मुझे जैसे अब कुछ तो ऐसे अवार्ड होते हैं जिसमें आप कुछ कह ही नहीं सकते, जैसे मान लीजिए अब सांसद हूँ तो उसमें तो 30 लाख वोट देते हमारे लिए तभी मैं जीतता, तो निश्चित रूप से अवार्ड न भी मिले ना तो उसकी टीस बनी रहनी चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि सर इस साल का अवार्ड, इस साल का जो होली कितना आपके लिए खास होगा, सांसद हैं आप तो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ प्लान है आपका? जी पहले हमारी होली होती थी एक अपनी फिल्मी दुनिया के साथ, एक अपने गांव के साथ, अब उसमें ऐड हो गया है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ, बट हम मुंबई में भी होली मनाएंगे, आप सभी को इनवाइट करेंगे, बहुत मस्त होली होगी। क्योंकि मनोज जी आप इतने खड़े हैं अपने स्वभाव में, तो अगर कभी चयन करते हुए अगर आपका मतभेद हुआ आपकी जूरी के साथ तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे? देखिए पहले मैं जूरी मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले बोला ना कि देखिए जूरी को डिसाइड करना होता है, और हम लोगों को धीरे धीरे न्याय पे भरोसा करना चाहिए, न्यायाधीशों पे भरोसा करना चाहिए, और न्यायाधीशों को अपने कार्य में सुधार लाना चाहिए। सर दो लाइनें हो जाए अगर गाने की, होली के मौके पर आपका जबरा फैन का गाना जो बहुत ही फेमस हो गया लोगों के लिए। बस यही इस बार तो यही कहेंगे कि ये दिलवा तोहरे जबरदस्त अब तो फैन हो गए, ये दिलवा तोहरे जबरदस्त अब तो फैन हो गए, हाँ तोहरा देखते मैं दिलवा ढिन 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 ढिन।